दोस्तों, मुझे पता था कि ये वीडियो का टाइटल देख के आप इस वीडियो में जरूर क्लिक करोगे। तो मैं बात करता हूँ कि क्या इंडियन आर्मी में ये जो शराब वगैरह रहती है, क्या कंपलसरी होती है सबको पीना? ऐसा काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। हालांकि मैं कुछ साल पहले एक ट्रेवल कर रहा था, कहीं जा रहा था, मैंने सब बातें सुनी। दो सिविलियन थे, वो बात कर रहे थे कि यार अब मैं पिछले हफ्ते मैं इसी ट्रेन से आ रहा था, तो एक सामने वाला फौजी था, काफ़ी दारू पी रहा था, बहुत ज़्यादा आर्मी वाले दारू पीते। तो सामने वाले ने बोला कि हाँ, आर्मी में तो ये दारू वगैरह चलती रहती है, उनको तो ऑथराइज वगैरह है। तो मेनली मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊँगा कि यार सच में उनकी जो रियल लाइफ होती क्या पूरी, मतलब दारू से भरी होती, क्या ज़्यादा ही कंपलसरी है, क्या बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये हर चीज़ दोस्तों मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने आज तक देखा है अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, वही एक्सपीरियंस मैं आपको ग्राउंड में बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड मैं हर तरह की दोस्तों वीडियो बनाता रहता हूँ। ये वीडियो लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। सबसे पहले मैं एक डाउट, जो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी में डेली दारू पीने को मिलती है, बट भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है, उनको डेली दारू पीने को नहीं मिलती। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप अपनी बटालियन में पहुँच जाते हो दोस्तों, तो आपका जो लिकर कार्ड होता है ना, जो दारू वाला कार्ड होता है, वही जमा हो जाता है, तो आप कहाँ से पियोगे? तो डेली नहीं पी सकते, बट हफ्ते में दो दिन या फिर एक दिन, मेनली संडे को ज़्यादातर दारू इशू होती है, ठीक है, दारू इशू होती है, 12 बजे इशू होती है, उसमें आप ओनली दो पैक हर बंदे को मिलता है, जो पीने वाला है वो पीता है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी दारू पीते हैं, ऐसे मैंने काफ़ी, मैं आपके नाम बता सकता हूँ जो कि दारू को छूते तक नहीं, ऐसे बंदे भी होते हैं। तो अगर बंदा चाहे सिविल से मां के चोरी छुपे, मतलब चुपके से मां के अगर रात में पी रहा है, तो वो अलग बात है, बट फौज की तरफ से हफ्ते में एक दिन मिलती है या फिर दो दिन मिलती है, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, रात के टाइम जो आपकी बैरिक्स होती है, जो लाइन होती है, वहाँ पर चेकिंग भी होती है, बंदे आते हैं चेक करने के लिए, जिनको ड्यूटी रहती है ना, जिनकी जो आरपी होते हैं बटालियन के, वो चेक करते हैं कि किसी ने दारू तो नहीं पी, किसी ने, समझ रहे हो। और जिस दिन दारू ऑथराइज नहीं है, उस दिन अगर आप दारू पीते पकड़े जाते हो, तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सजा मिलती है, इसमें आपकी चार्जशीट होती है। कि आप लोग देखते हो कि हमारे सिविल लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं, कि भाई कुछ सीधे भी हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पीते, और कुछ थोड़ा बहुत पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों आर्मी में भी है, ठीक है, आर्मी में भी हर तरह के लोग हैं, कुछ पीते हैं, कुछ नहीं पीते, कुछ थोड़ी पीते हैं, और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या उनको बहुत ज़्यादा दारू पीने को मिलती, तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी की तरफ से ओनली दो दिन या एक दिन इशू होती है, उसके अलावा आप नहीं पी सकते, ठीक है। और जो कार्ड रहता है लिखकर, वो जमा हो जाता है आपका, और अगर फिर भी आप सिविल से मंगा के चोरी छुपके अगर पी रहे हो, तो वो आप उसके खुद जिम्मेदार हो, अगर पकड़े जाते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो दारू से रिलेटेड वाला डाउट था, वो डेफिनेटली दूर हुआ हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।